स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7 टेक्स्ट बुक हनीकॉम। आज हम देखेंगे हनीकॉम का सेकंड चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये, तो लेट्स स्टार्ट बिफोर यू रीड। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर। मृदु एक यंग गर्ल है कि जो कि मद्रास में बड़ी हुई है, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रहती है। वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणी'स हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली रवि एंड नीना। एक दिन जो टापी थी, उसकी ग्रैंड मदर थी, वो मृदु को उसकी आंट रुकुमणी के घर लेके गई और वो अपने कजिन्स लाली रवि और नीना से मिलने गई थी। A gift of chappal, let's start part first. A smiling Rukmani threw open the door. Rukmani जो आंटी थी मृदु की, उन्होंने स्माइलिंग करते हुए fastly गेट को ओपन किया। रवि एंड मीना rushed out and रवि pulled मृदु into the house. रवि और मीना भागते हुए दौड़ते हुए बाहर की तरफ आए, जैसे कोई मिलने आता है तो खुशी के साथ, और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया। Wait, let me take my off my slippers, protested Mradu. Mradu ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए कहा, विरोध करते हुए कि अरे वेट करो, रुको, मेरी स्लीपर्स तो उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. Mradu ने अपनी स्लीपर्स को प्रॉपरली यानी ढंग से बाहर की तरफ उतार दिया और उसी स्लीपर के पास एक और स्लीपर रखी थी जो कि लार्ज ब्लैक कलर की स्लीपर थी। Those were grey actually, with dust. वो जो स्लीपर थी वो डस्ट की वजह से थोड़ी गंदी सी हो रही थी और वो ग्रे कलर की नजर आ रही थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. आप उस स्लीपर पे जो उसका स्लीपर का फ्रंट पार्ट था, उस पे जो पैर की उंगलियों के निशान होते हैं वो साफ दिखाई दे रहे थे। Mark of toes. The marks of the two big toes were long and scrawny. और जो पैर के अंगूठे के निशान थे वो लॉन्ग थे और स्क्रोनी थे, यानी थिन थे, थोड़े पतले से लंबे से निशान उस स्लीपर पे नजर आ रहे थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो वंडर करती, उस पर हैरान होती है, सरप्राइज होती है किसकी स्लीपर्स है जो कि थोड़े डिफरेंट से स्लीपर्स थे, क्योंकि रवि ने उसको खींचते हुए पीछे की तरफ बैकयार्ड की तरफ ले गया। बैकयार्ड मींस जो आंगन के पीछे का, जो घर के पीछे का आंगन होता है वो बैकयार्ड, वहां पे रवि उसको खींचते हुए ले गया जल्दी में। तो मृदु ने इतना ध्यान से उस स्लीपर्स को नहीं देखा। अ थिक बिटर बेरी बुश, एक बिटर बेरी की जो झाड़ी थी, बुश थी, वहां पे उसको उसके पीछे लेके गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहां पे पीछे जाने के बाद मृदु ने क्या देखा कि एक फुटबॉल है जो टूटी सी है, टॉर्न सी है, और एक जो जूट के थैले में रखी हुई है और उसमें भरी हुई है रेत, और उसमें बैठी एक छोटी सी किटन, एक केट का बच्चा जो बैठा है, और वो पी रहा है मिल्क कोकोनट हाफ शेल से, यानी कोकोनट का जो हाफ पार्ट होता है उसमें मिल्क भरा हुआ है और उसको वो किटन मिल्क कर रहा है, पी रहा है। We found him outside the gate this morning. He was meowing and mewing poor thing. उन्होंने बताया मृदु को कि ये जो केट है, वो किटन है, वो आज सुबह ही गेट के बाहर मिली है और वो म्याऊ म्याऊ करके रो रही थी, पुअर थिंग, क्योंकि वो हेल्पलेस थी उस टाइम। तो यार इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि रवि, मीना और मृदु हैं, और यहाँ जो किटन है वो फुटबॉल में, जो टॉर्न फुटबॉल है उसमें बैठी है और कोकोनट हाफ शेल से मिल्क पी रही है, और ये जो है वो बिटर बेरी की बुश है। मीना ने बताया कि आज सुबह ये मिली है, बट इट्स ए सीक्रेट, लेकिन ये एक सीक्रेट है, यानी इसके बारे में किसी को घर में पता नहीं है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पदु मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए क्रेट। अम्मा कहती है कि जो पाती है वो घर छोड़ देंगी, पद्दू मामा का हाउस, अगर उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि।
रवि मृदु को बताता है कि लोग कहते हैं कि हमें एनिमल से काइंड होना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब हम एनिमल्स से काइंड होते हैं या उनकी हेल्प करते हैं या उनको हम घर ले आते हैं तो वो चिल्लाते हैं जो बड़े लोग हैं, और वो क्या कहते हैं कि इस गंदे एनिमल को यहाँ क्यों लेके आए। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो यही वजह है कि उन्होंने किचन को छुपा के रखा था, क्योंकि घर में जो एल्डर्स हैं यानी कि जो दादी हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि एनिमल घर में रखा जाए। रवि आगे बताता है कि किचन के लिए मिल्क लाना कितना मुश्किल काम है किचन से। पाती सो मी विद अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में गिलास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मुझे कहना पड़ा या मैंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको पीना चाहता हूँ मिल्क को। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मुझे बहुत सारा मिल्क पीना पड़ा उनको मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है कि किसी को शक नहीं हो और किसी को हम मिसलीड कर रहे हैं ताकि वो रियल पर्पज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो यहाँ दादी को शक नहीं हो इस वजह से वो खुद ही मिल्क पी जाता है। Then she wanted the tumbler back, और फिर उनको जो टम्बलर है जो गिलास है वो वापिस भी चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर मैंने दादी को कहा कि अरे दादी मैं खुद ही धो दूंगा ये गिलास, मैं खुद वॉश कर लूंगा, मैं आपको प्रॉब्लम में क्यों डालूंगा, आपको परेशान क्यों करूंगा। आई हैड टू रन एंड प्योर द मिल्क टू द कोकोनट शेल। फिर मुझे भाग के जाना पड़ा और इस मिल्क को कोकोनट शेल में डाला। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर वापस भाग के गया और मैंने अपने वो ग्लास जो था वो टम्बलर था उसको वॉश किया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और उसको वापस अपनी जगह पर रखा इससे पहले कि जो पाती उनको डाउट हो जाता, शक हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज के साथ मिल्क लाया मैं, और अब हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने का, यानी महेंद्रन को मिल्क देने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटिस नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। अब यहाँ पे जो मृदु है वो इम्प्रेस्ड हो गई ये सुन के कि उस जो किटी जो लिटिल किटी थी उसका नाम था महेंद्रन। तो उसने कहा कि क्या इसका नाम महेंद्रन है, ये तो बिल्कुल रियल नेम है, किसी कैट का नाम तो नहीं लग रहा है। एक्चुअली इज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवी पुणे, एमपी पुणे फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लायंस मैन। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब रवि यहाँ पे बता रहा है कि उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवी पुणे है, और अगर तुम्हें पसंद हो तो शॉर्ट में इसको हम एमपी पुणे कह सकते हैं। ये कोई मामूली कैट नहीं है, ये बहुत ही फाइन ब्रीड की यानी कि बहुत ही अच्छी प्रजाति की, बहुत अच्छी जाति की कैट है। इसके फर को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉयंस के, जैसे लॉयन के गर्दन पर बाल होते हैं उस तरीके के, तो उसके फर हैं। और तुम्हें पता है एम्ब्लम जो था पल्लवा किंग का, यानी बहुत प्राचीन समय में जो राजा था, पल्लवा किंग्स थे, उनके जो एम्ब्लम थे, उनका जो चिन्ह था, जैसे हमारा नेशनल एम्ब्लम में जो अशोक स्तंभ है उस पर भी पल्लवा के किंग्स बने हुए हैं। तो वो जो पल्लवा किंग्स है पुराने टाइम के, तुम उनको जानती हो? उसने मृदु की तरह एक्सपेक्ट करते हुए देखा कि शायद मृदु कहेगी कि हाँ मैं जानती हूँ। मृदु गिगल, लेकिन मृदु को तो हंसी आ गई उसकी बातें सुन के। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। अब रवि यहाँ पे बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी, और मुझे लगता है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्या तुम महाबलीपुरम गई हो कभी? उसने मिस्टीरियसली बोला, when our class went to महाबलीपुरम, I saw a statue of his thatas etc. यानी जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने ये जो केट है उसके दादा के भी दादा के भी दादा, यानी कि बहुत पहले के उसके जो रिलेटिव्स हैं उसका स्टेच्यू वहां पे देखा है। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट केट। ये जो महेंद्रन है यानी कि जो केट है किटन है, ये
उसी एंसिएंट यानी कि जो पल्लव किंग की डायनेस्टी को बिलोंग करती है या जो महाबलीपुरम की जो केट है उसी की क्लोज रिलेटिव है या उसी की वंशज है, उसी की डिसेंडेंट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। और तुम्हें पता ही है वैसे भी, और केट और लॉयन तो रिलेटिव होते हैं, तो ये उस लॉयन की रिलेटिव है। तब पल्लवा लॉयन, और लॉयन भी कोई मामूली नहीं है, लॉयन भी कहा का है, पल्लवा किंग का लॉयन, एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा का साम्राज्य था, जो उनके किंग्स का लॉयन था, उनका रिलेटिव है ये किटन। रवि वेंट वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, रवि बोले जा रहा था और जो बिटर बेरी बुश थी, जो झाड़ी थी, उसके चारों तरफ घूमता हुआ, वेविंग ए ट्विक अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक ट्विक थी, एक ब्रांच थी, एक टहनी थी, उसको ऊपर नीचे करता हुआ, एंड हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि वो इतनी सारी इमेजिनेशन करके और हिस्ट्री का नॉलेज को इकट्ठा करके वो इतनी सारी चीजें मृदु को इंप्रेस करने को बता रहा था। दिस केट इज डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि केट, ये जो केट है ये कोई और नहीं, ये महाबलीपुरम ऋषि केट की डिसेंडेंट है, उसी की फैमिली को बिलोंग करती है और सेम फैमिली से रिलेटेड है। डिसेंडेंट मतलब उसी फैमिली के वंशज हैं या उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप केट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पे केट की पूजा करते थे वो लोग। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, ऐसा लग रहा था कि रवि को अपनी आवाज पसंद है, क्योंकि वो बोले जा रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु एक दूसरे को देख रहे थे और रवि की बातों को सुनते हुए। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु ने कहा, उससे पूछा कि इस सबका इससे क्या लेना देना है, क्या करना है। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टर्ड, या दैट्स इट, रवि ने कहा, अरे मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये केट कोई मामूली केट नहीं है, ये इजिप्टियन केट गॉड है, ये नहीं गॉडेस है ये। यहाँ रवि खुद कंफ्यूज है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट केट गॉडेस वाज स्टोवावे, स्टोवावे का मतलब होता है कि छुप के भाग जाना, या कोई एयरक्राफ्ट में या शिप में ट्रेवल करना जिसमें किसी का नोटिस नहीं जाए, अननोटिसली ट्रेवल करना। तो यहाँ पे रवि ने फिर आगे बताया कि जो केट है वो पल्लवा शिप में छुप के आ गई थी, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि केट, और उसी की डिसेंडेंट है ये महाबलीपुरम की ऋषि केट, जो कि पल्लवा शिप में छुप के आ गई थी, वो डिसेंडेंट है, और उसी की डिसेंडेंट है ये महेंद्रन, यानी जो एमपी पुणे जो किटन है वो महाबलीपुरम ऋषि केट है, और वो जो महाबलीपुरम ऋषि केट थी वो शिप में छुप के आ गई थी। एमपी पुणे वो एक He shrieked, very pleased with himself. इतना excited था रवि कि उसके मुंह से खुशी के मारे आवाज निकल गई, एक साउंड। महेंद्र looked up, alarmed. महेंद्र ने ऊपर देखा, जो किटन थी वो डर गई। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. यानी जो आवाज आई रवि के मुंह से, जो excitement में आवाज निकली, उसके साथ एक साउंड और निकली, जो कि बहुत ही harsh सी unpleasant सी साउंड थी, और जो किटन थी वो कोकोनट शेल पे रगड़ के अपने क्लोज को, अपने पंजों को शार्प कर रही थी, जैसे केट करती है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप एक वाज अ क्रेज, रवि की जो साउंड मुंह से निकला था वूप एक का, उससे भी बुरी एक आवाज और निकली थी, क्रिच, क्रिच साउंड एक और निकला, और वो कहां से आ रही थी, विंडो से। व्हाट ए वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टेड, मृदु भी एकदम सरप्राइज होके बोल रही थी कि कितनी अजीब सी साउंड है, स्ट्रेंज सी, अनयूजुअल सी साउंड है। और साउंड को सुन के जो किटन थी एमपी पुणे वो बहुत डर गई, और उसके जो हेयर थे वो खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए डर के मारे, और उसने जंप किया, और जंप करके वो बेम्बू ट्रे पे जाके कूदी, और वो जो बेम्बू ट्रे थी उसमें सूख रही थी रेड चिलीज, यानी कि लाल मिर्च जो सुखाते हैं ट्रे में डाल के छत पे, वो सूख रही थी, और उस पर जंप कर दिया कैट ने, जो कि सुखाने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके अंदर वो छुपने की कोशिश करने लग गई क्योंकि वो बहुत डर गई थी। He tipped a few chilies over himself, meow, और म्याऊ म्याऊ करते हुए डरते हुए उसने कुछ रेड चिलीज अपने ऊपर भी डाली। लेकिन जो क्रीचिंग का साउंड था वो तो अब भी आ रहा था, आए जा रहा था। What that noise, said मृदु, मृदु ने कहा क्या आवाज है। अब रवि ने गुलाते हुए बताया कि this lally learning to play the violin, ये तो लाली है जो वॉयलिन बजाना सीख रही है।
She will never learn a thing. वो कभी कुछ नहीं सीख सकती. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on, while Lali is all the time drilling, going completely off track. अब यार अभी कह रहा है कि लाली कुछ नहीं सीख सकती है. म्यूजिक टीचर जो वॉयलिन बजा रहे थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन स्मूथली अपनी पटरी पे अपने ट्रैक्स पे चल रही है, लेकिन जब लाली वॉयलिन बजा रही थी तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक, यानी कोई ट्रेन पटरी से उतर गई है. इस तरीके की जो हार्श साउंड होती है, अनप्लीजेंट सी साउंड होती है, वो निकल के बाहर आ रही है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई होप कि यहां तक आपको लेसन समझ में आ गया होगा. We will see next part in next video. Take care. Please like, subscribe and share.